वेलकम टू माय चैनल कबूतर लाइव टू में आपका स्वागत है। आपकी खिदमत में मिराज भाई। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कबूतर पालने की शुरुआत कैसे करें और कबूतर कैसे पालें, उसको हम आज बताएंगे। आज हम आप लोगों को कबूतर पालने का पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कबूतर कैसे पाले जाते हैं और कैसे पालने का शुरुआत करें, वो हम आज आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए जो कबूतरों को पालने का शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास कबूतर को बंद करने वाली आपको पेटी चाहिए, और आप पेटी चाहे चार खाने के लिए, चाहे दो खाने के लिए, चाहे एक खाने के लिए, आपको रात में बंद करने के लिए आपको एक पेटी ज़रूर चाहिए, और उसके लिए कुछ दाना भी चाहिए। आपके पास गेहूं है, गेहूं खिला सकते हैं, चावल है, चावल दे सकते हैं। तो आपके पास कबूतरों को खिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपके पास होने चाहिए, और बंद करने के लिए आपके पास दरबा या पेटी होना चाहिए, वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। जब आपके पास ये सब होगा तभी आप कबूतर पाल सकते हैं। दिन में तो आप खुला छोड़ सकते हैं, रात में आप खुला कबूतरों को नहीं छोड़ सकते हैं। अगर रात में आप खुला छोड़ेंगे तो बिल्ली मार देगी और कबूतर मर जाएगा। तो आपके पास रात में बंद करने के लिए आपको या फिर दरबा होना चाहिए, या मिट्टी का बना हो, या पक्का बना हो। अगर ना हो तो आपके पास एक ढाबली होना चाहिए, चाहे वो चार खाने की क्यों ना हो, चाहे दो खाने की हो, आपके पास ढाबली ज़रूर होना चाहिए, तभी आप कबूतर पालने की शुरुआत कर सकते हैं। पिंजड़े में नहीं रख सकते हैं कि हम कबूतर ले आए और पिंजड़े में रख दें और वो अंडे बच्चे करने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। कबूतर पिंजड़े में नहीं पाले जाते हैं। कबूतरों को अगर पालना है तो आपके पास पेटी होना चाहिए या फिर दरबा होना चाहिए, तभी आप कबूतर पालने की शुरुआत कर सकते हैं। और जब आप कबूतर पालने की शुरुआत करने जा रहे हों तो सबसे पहले आपको पेटी या दरबा होना चाहिए, और कबूतरों को खिलाने के लिए दाना भी होना चाहिए। तो हम आप लोगों को पेटी भी दिखाएंगे और दरबा भी दिखाएंगे, और खाने के लिए आपको क्या देना चाहिए वो भी हम दिखाएंगे। शुरुआत करने के लिए तो आप जैसे कि गेहूं दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, जो भी आप खिला सकते हैं। तो उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ पहले से ही तैयारी आपको करना पड़ेगा। ज़्यादातर तो गेहूं खिलाया जाता है, अगर उसमें गेहूं में चावल मिला दे वो भी खिला दें, और सरसों भी खिलाया जाता है, मकाई भी खिला सकते हैं। तो वो हम खिलाने के बारे में बाद में हम बताएंगे, ये हम आपको बता रहे हैं पालने की शुरुआत कैसे करें। जब आप लोगों को पालने की शुरुआत मालूम हो जाएगी कि कबूतर कैसे पाले जाते हैं, फिर आप लोगों को हम यही बताएंगे कबूतरों को क्या खिलाना चाहिए, किस मौसम में क्या देना चाहिए। पहले तो आप हम देखेंगे कि कबूतर हम आप कैसे पालें। जैसे कि ये हमारे पास डाबली है, आपको आपके भी पास ऐसे ही डाबली होनी चाहिए। देखिए डाबली लगी हुई है, आपको ज़रूरत के अनुसार डाबली रखना है। जैसे कि ये हमारे पास एक पटरी है, इसको बंद करने के लिए ऐसे बंद करने के लिए पटरी, और सुबह खोल दें। ऐसे ही आपके पास भी एक पटरी होनी चाहिए। और हमारी पेटी जाल में है, इसलिए हमको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम जाल दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए हमारा जाल है।
और एक ये हमारे पास पेटी रखी हुई है, या तो फिर आपके पास ऐसी पेटी होनी चाहिए कबूतर बंद करने के लिए। आपको हम इसमें पट्टी डाल के भी दिखाएंगे। देख लीजिए, सारी पटरियाँ बंद हो चुकी हैं, ऐसे बिल्ली कबूतर नहीं मार पाएगी। ये देख लीजिए, हमने पटरियाँ हटा दी हैं। और आपके पास कबूतर को पानी पिलाने के लिए जो है एक बर्तन होना चाहिए, जैसे कि ये हमारे पास एक बर्तन है पानी पिलाने के लिए, इसमें पानी पिएंगे और नहाएंगे भी। लो, आपको खिलाने के लिए दाना चाहिए, ये देख लीजिए दाना। इसमें चावल मिला हुआ है। मैंने आप लोगों को कबूतर बंद करने वाली ढाबली दिखाई और दाना भी दिखाया। और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारा साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी भी दबाएं। और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि कैसे कबूतर पालें।